हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज गाइज हम अगेन खेलने वाले हैं एमपीएल पर वन जौनपुर में एड गाइज, जहाँ पे जो है 8 राउंड लगने वाले हैं और हमारे 90 पॉइंट हो जाएंगे। सो उस सिचुएशन हम जो है विन कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते, सो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना पड़ेगा। वीडियो काफ़ी इंटेंस होने वाली है, सो वीडियो पूरा एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जो कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जो कर देना। ओके, सो गाइज बात कर लेते हैं इस गेम प्ले की। सो हमारे पास देख सकते हो फर्स्ट राउंड में कितने हमको ओपी कार्ड मिले, मतलब एक कार्ड चाहिए बस डिक्लेयर करने के लिए। 10 के लेटर आ जाए या फिर एस किंग क्वीन और किंग के लेटर कार्ड आ जाए तो हम जो है डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल बोले तो एक कार्ड चाहिए बस डिक्लेयर करने के लिए। तो बंदे ने देखो 9 डिस्कार्ड किया है, मतलब बहुत ही हरामी है बंदा। कोई नहीं, करते हैं क्लोड ऐसे कार्ड। मैं सोचा हूँ यहाँ पे फर्स्ट टर्न में डिक्लेयर हो जाए तो भाई मज़े ही आ जाएगा। सो क्लोड ऐसे कार्ड पिक करना पड़ेगा। भाई बंदे ने तो ऐसा कार्ड डिस्कार्ड किया और मेरे पास क्या आता है 5। सो हम यहाँ पे 5 रख लेते हैं एंड यहाँ पे डायमंड में एस डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि वैसे हमको एक ही कार्ड चाहिए। एस के रिलेटेड कोई भी कार्ड आ गया था मुझे, मतलब एस के अकॉर्डिंग एस आ गया तब भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन देखो बंदों की किस्मत काफ़ी अच्छी है कि बंदे भाई ड्रॉप कर रहे हैं। खैर कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं। हम तो सोचे थे कि भाई हम फर्स्ट टर्न में डिक्लेयर करेंगे और इन बंदों को भाई 40-40 पॉइंट लगेंगे तो भाई मज़े ही आ जाएगा। खैर देखते हैं भाई यहाँ पे ये बंदा प्ले करता है या फिर ड्रॉप। ओके भाई देखो 3 बंदे ड्रॉप कर चुके हैं और यहाँ पे डीलर ने भाई ओपन ऐसे कार्ड पिक कर लिया। अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है भाई। और देखो ये बंदा भी ओपन ऐसे कार्ड पिक कर गया भाई, और क्या डिस्कार्ड किया किंग। कोई नहीं, करते हैं क्लोड ऐसे कार्ड पिक। थोड़ा सा टाइम लेंगे एंड यहाँ पे देख सकते हो फाइनली गाइज हमारे पास जोर कर आ जाता है। सो 4 के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश गाइज। वैसे ये दोनों बंदे ओपन ऐसे कार्ड पिक कर गए हैं तो मेरे हिसाब से बंदे ज़्यादा पॉइंट से लॉस नहीं होने वाले। देखो भाई बंदा एक 19 पॉइंट से लॉस है डीलर, और ये बंदा देखते हैं कितने पॉइंट से देता है। वैसे ये बंदा भी ओपन ऐसे कार्ड पिक किया था क्लब में 8, तो हो सकता है ये बंदा भी 20 से डाउन पॉइंट कर चुका हो या फिर ओनली वैलिड कार्ड पिक किया। और गाइस देखो ये बंदा ओनली 8 पॉइंट से लॉस है, मतलब इतने पॉइंट डाउन कर चुका भाई। और देखो भाई उस बंदे के पास भी काफ़ी अच्छे कार्ड थे, मतलब ये का बंदा साइड ट्रेन कर रहा था, एक ही कार्ड चाहिए तो उस बंदे को डिक्लेयर करने के लिए। खैर क्या ही कर सकते हैं। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव हो चुके हैं एंड अगेन देख सकते हो गाइस कार्ड। वैसे यहाँ पे किंग नहीं आ सकता हमारे पास, बट फिर भी हम यहाँ पे प्ले तो करेंगे, क्योंकि देखो हमारे अगर एक सीक्वेंस या फिर सेट ट्रेन हो जाएगा ना तो हमारे 20 से डाउन पॉइंट हो जाएंगे। सो हम तो यहाँ पे प्ले करेंगे, और यहाँ पे भाई बाकी बंदे भी देख सकते हो तो प्ले कर रहे हैं, मतलब हो सकता है इन बंदों के पास भी काफ़ी अच्छे कार्ड हों। ओ भाई ये बंदे प्ले कर रहा है भाई साहब, 4 बंदे प्ले कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये कोई वैलिड कार्ड डिस्कार्ड करे, लेकिन बंदे ने 7 डिस्कार्ड किया। कोई ना, हम यहाँ पे क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं। मेरे पास क्या है डायमंड में क्वीन, सो मैं यहाँ पे क्लब क्वीन डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि वैसे ही मेरे पास अगर क्वीन के लेटर कोई कार्ड आ गया, यानी कि हट में क्वीन आ गई या फिर हुक्म की क्वीन आ गई, तो हमारा जो सेट रहेंगे हो जाएगा बंदा अगर फॉलो करेगा तो। और गाइस देखो 90 पॉइंट बंदे ने हमको फॉलो करके, मतलब उस बंदे को जे डिस्कार्ड किया और वह बंदा जे पिक कर गया भाई। अब हमने तो ओनली वैलिड कार्ड ही डिस्कार्ड किया था, लेकिन उस बंदे के लिए वैलिड था, या फिर ऐसा भी हो सकता बंदा जे का सेट नहीं कर रहा हो। बस हमारी कैसे करके एक सीक्वेंस या फिर सेट नहीं हो जाए तो भाई बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि गाइस अगर हमारी एक सेट या फिर सीक्वेंस नहीं ना होता तो भाई हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जो हमने डिक्लेयर किया था फर्स्ट राउंड में। और बंदे देखो 7 डिस्कार्ड किया, कोई नहीं करते हैं क्लोड ऐसे कार्ड पिक। और यहाँ पर क्या आता है क्लब में 8, मतलब यूजलेस कार्ड आया। अब यहाँ पे 8 के साथ ही डिस्कार्ड करना पड़ेगा, और क्या बंदा पिक भी कर सकता क्योंकि डबल है ना, लेकिन बढ़िया बंदे ने पिक नहीं किया। मुझे थोड़ा सा डाउट होता बंदा पिक कर सकता। और यहाँ पे देखते हैं भाई बंदे कहीं डिक्लेयर ना कर दे। और गाइस देखो क्वीन इस बंदे ने डिस्कार्ड की है, मतलब हमारे काम का कार्ड ये डिस्कार्ड कर चुका बंदा। वैसे अब हर्ट क्वीन आने के चांस हैं ओनली। वैसे बंदे ने डायमंड में 7 डिस्कार्ड किया तो बंदा 6 भी डिस्कार्ड कर सकता है डायमंड में, क्योंकि हो सकता है ये बंदा अपनी सीक्वेंस ब्रेक कर दे। मैं सोच रहा हूँ बंदा कोई गलती करे, लेकिन देखो बंदे ने 10 डिस्कार्ड किया भाई, बहुत ही बंदा खतरनाक प्ले करा। कोई नहीं, करते हैं क्लोड ऐसे कार्ड पिक।
अब ये बंदा तो हमको कार्ड डिस्कार्ड कर नहीं रहा, अब एमपील वालों तुम भी सपोर्ट कर दो। और यहाँ पे क्या आता है, हर्ट में सेवन, सो मैं क्लब में एस डिस्कार्ड कर देता हूँ अब, क्योंकि कमीन का सेट नहीं होने के चांसेस हैं। किंग आ गया तो मतलब किंग तो जोकर है, तो जोकर तो आएगा तो फिर तो हमारा मतलब और पॉइंट डाउन हो जाएंगे, इसी वजह से मैंने एस डिस्कार्ड कर दिया। अब हो सकता है बंदा जो है एस के अकॉर्डिंग कोई कार्ड डिस्कार्ड करे, कमीन डिस्कार्ड कर दे। और गाइस देखो हर्ट कमीन भी कही भाई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब हमारी दोनों ही क्वीन चलेगी, मतलब जो हमारा सेट रेंज होना था, अब तो गाइस सेट हमारा मुश्किल ही रेंज हो पाएगा शायद। और देखो बंदे स्मॉल भी कार्ड डिस्कार्ड कर दिए बंदों ने, तो ये बंदा कोई कार्ड डिस्कार्ड करे ना तब भी हमारा कुछ हो सकता है हल, लेकिन ये बंदा तो भाई फॉलो करता है नहीं। लेकिन लकीली गाइस ये जो बंदा हर्ट फाइव डिस्कार्ड कर देता है, सो इसी के साथ हमारी जो है एक और सीक्वेंस नहीं हो जाती है। सो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि क्लब एट ही डिस्कार्ड कर देते हैं अगेन, या फिर टू तो डिस्कार्ड नहीं करेंगे, हमको पॉइंट डाउन ही रखने जितना हो सके। डिक्लेयर का तो भाई बाद में ही देखेंगे, पहले हमको पॉइंट डाउन रखने सबसे, क्योंकि हमारे जितने पॉइंट कम रहेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। अभी यहाँ पे गाइस कोई भी बंदा डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो टर्न काफ़ी हो चुकी है, इसी वजह से मैंने एट डिस्कार्ड किया। बहुत ज़्यादा कोई बंदे कहते हैं आप डायमंड में टू डिस्कार्ड करते, लेकिन डायमंड टू डिस्कार्ड कर सकता था, लेकिन डायमंड टू देखो हमारे पास ओनली सिंगल कार्ड है, तो बंदा पिक करके डिक्लेयर भी कर सकता है, तो हमने इसी वजह से ही डिस्कार्ड किया। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत यह है कि हमारे पास अगर सेवन आ गया क्लब में तो हम जो डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई बंदा सेवन का सेट नहीं कर रहा। और गाइस देखो सेवन किस बंदे ने डिस्कार्ड किया, इस बंदे ने डिस्कार्ड किया, तो ये बंदा होल्ड करके बैठा था। अब बताओ हमारे पास सेवन तो आ नहीं रहा था, हमने अच्छा ही किया ना, एक तरफ से हमने एट डिस्कार्ड कर दिया। ओके डायमंड कमीन, कोई नहीं, क्लोटे से कार्ड पिक करते हैं, यहाँ क्या है डायमंड टेन, सो हम यहाँ पे क्लब कमीन भी डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि कमीन का तो हमारा अब सेंट रेंज होने वाला है नहीं। और यहाँ पे डायमंड में जे भी जा चुका भाई, बट कोई नहीं, डायमंड नाइन आ सकता है, कोई तो ऑप्शन रहनी चाहिए हमारे पास। और गाइस देखो 20 पॉइंट बंदे ने क्लब जे भी डिस्कार्ड कर दिया, मतलब ये बंदे ने जे पिक किया था, मुझे समझ नहीं आई किस बंदे ने क्लब जे डिस्कार्ड कर दिया। अब यहाँ पे देखो दोबारा से कार्ड रिफो हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट, मतलब के जो ओपन डेक में होते हैं सारे एक तरफ से कार्ड, बट बस अभी बंदे ने ओपन डेक से पिक कर लिए, अब जाके देखो दोबारा से फिर स्टार्ट हो चुके हैं पिकअप होने। खैर कोई नहीं, हमारे पास क्वीन आती है, सो मैं क्वीन ही डिस्कार्ड कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि डिक्लेयर हम कर पाएंगे, मतलब हमारे काम का कार्ड आ नहीं रहा, अब आ सकता है देख सकते हैं, क्योंकि देखो अब यहाँ पे दोबारा से कार्ड हुए हैं स्टार्टिंग, तो अब आने के चांस हैं। देखते हैं बंदा इस बार कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करता है, डायमंड एज, ये भी काम का है नहीं, उसको क्रोटे से कार्ड पिक करते हैं। यहाँ पे क्या है, फाइव 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 फाइव, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ सिक्स डिस्कार्ड कर दें या फिर फाइव, फाइव का सेट रेंज हो सकता है, सिक्स का भी सेट रेंज हो सकता है, सो मैं यहाँ पे क्लब सिक्स डिस्कार्ड करता हूँ, क्योंकि बंदे ने एट पिक नहीं ना किया था, इसी वजह से मैंने सिक्स डिस्कार्ड किया। और गाइस देखो डायमंड जेस बंदे ने फिर डिस्कार्ड कर दिया, भाई ये वो क्या रहा है, यहाँ पे हमारे ही काम का कार्ड नहीं आएगा क्या। गाइस मुझे तो नहीं लगता कि डिक्लेयर हम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतनी टर्न लग चुकी भाई। ओके बंदे ने सेवन डिस्कार्ड किया, सेवन सेवन से कुछ हो पाएगा क्या, वैसे मेरे को अगर मैं सिक्स को होल्ड किया होता ना, तो देखो मेरा सिक्स का सेट रेंज हो जाता और यहाँ पे सेवन का भी सेट रेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पे फिर भी भाई दिक्कत, कार्ड तो चाहिए होगा फिर भी, एक फिर मेरे पास फाइव और टू फिर भी वैलिड कार्ड भाई थे। और गाइस देखो बंदे ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया, चलो कोई बात नहीं, हमारे ओनली सेवन पॉइंट लगे हैं। और गाइस देखो डीलर के जो आगे वाला बंदा, उस बंदे के दे सकते हो कितने पॉइंट लगे हैं, 64,
मतलब किसी बंदे की प्योर सिक्वेंस रही नहीं हो पाई भाई। गाइस इस चीज़ के लिए 1 लाख तो बनता है कि हमने इस बंदे की देख सकते हो इतनी टर्न लगने के बावजूद भी प्योर सिक्वेंस रही नहीं होने दी भाई। मतलब मज़ा ही आ गया भाई, इस बंदे कितने पॉइंट लग गए। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव हो चुके हैं एंड इस बार गाइस देख सकते हो हमको कितने ओपी कार्ड मिले हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत यह है कि हमारे पास 2 इनवैलिड कार्ड हैं। और गाइस देखो इस बंदे को 5 तो नहीं चाहिए था, लेकिन डायमंड 5 चाहिए था और हर्ट 8 हर्ट 6, क्योंकि चांस तो थे लेकिन हमारे पास कार्ड नहीं थे इस बंदे को। देखो हर्ट 10 इस बंदे पास, हर्ट 8 इस बंदे पास, जे देखो इस बंदे पास डबल था। अभी तो आया नहीं बंदे पास हर्ट में जे। ओके बंदे ने एस डिस्कार्ड किया, सो मैं सोच रहा हूँ एस पिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे डायमंड 6 डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि देखो इसी के साथ हमारे पॉइंट डाउन हो चुके हैं। अब हमको एक ही कार्ड चाहिए डिक्लेयर करने के लिए। अब हो सकता है क्या बात हमारे पास जोकर ही आ जाए, तो भाई फिर हम जो है डिक्लेयर करके बंदों के अच्छे खासे पॉइंट लगा सकते हैं। सो देखते हैं गाइस बंदे क्या करते हैं। अब एक कार्ड और भाई डिक्लेयर, देखते हैं। ओ भाई 6 इस बंदे ने पिक कर लिया भाई, इस बंदे को 6 चाहिए था। और गाइस कहीं ऐसा ना हो ये बंदा डिक्लेयर कर दे, क्योंकि इस बंदे ने ओपन ऐसे कार्ड पिक कर लिया। मैं सोच रहा बंदा बकिंग की भी डिस्कार्ड कर दे, डिस्कार्ड किया तो। लेकिन देखो बंदे ने क्लब 6 डिस्कार्ड किया, कोई नहीं करते क्रोड ऐसे कार्ड पिक। और यहाँ पे क्या आता है डायमंड 9, इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। हमने 6 डिस्कार्ड किया था, बंदे ने पिक नहीं किया था, तब 9 पिक क्या ही करेगा। और ऐसे ही होता है ये बंदा पिक नहीं करता। देखते हैं गाइस हम डिक्लेयर कर पाते हैं या फिर नहीं। हमको एक ही कार्ड चाहिए, लेकिन बंदे देखो खुद ओपन ऐसे कार्ड पिक किए जा रहे हैं। और देखो हर्ट किंग उस बंदे ने डिस्कार्ड किया, अभी देखना ये बंदा पिक कर लेगा। लेकिन इस बंदे को नीड है नहीं। और बंदे ने क्या डिस्कार्ड किया, क्वीन। अब यहाँ पे क्वीन का सेट नहीं हो जाएगा, लेकिन दिक्कत फिर भी एक कार्ड की रहेगी। सो हम यहाँ पे क्लोटस ही कार्ड पिक करते हैं या फिर ओपन ऐसे। मैं यहाँ पे क्लोट ऐसे कार्ड, सॉरी ओपन ऐसे पिक कर लेता हूँ, क्योंकि अब देखो हर्ट में किंग भी चला गया था। अब देखो हमको एक कार्ड चाहिए, अब हमारे एक कार्ड पे आ गेम। मतलब कि हर्ट जे आ गया तब भी डिक्लेयर हो सकता है, डायमंड जे आ गया तब भी डिक्लेयर हो जाएगा। और गाइस देखो हर्ट जे भी चला गया हमने जैसे ही बोला। खैर कोई नहीं, अब ये भी कार्ड जा चुका है तो अब ऑप्शन है जोकर आ सकता है। और भी वैसे डबल होते हैं कार्ड, अब हो सकता है क्या पता इस बंदे पास हर्ट मेकिंग हो। लेकिन देखो इस बंदे ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं, मारे ओनली 3 पॉइंट ही लगे, ज़्यादा पॉइंट तो हमने लगने दे नहीं। और गाइस देखो भाई 83 पॉइंट बंदा ओनली 5 पॉइंट से लॉस हुआ भाई, सीरियसली। मतलब ये बंदा कैसे सर्वाइव कर गया भाई, मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई ये बंदा कैसे सर्वाइव कर गया। खैर कोई नहीं भाई, कब तक सर्वाइव करेगा, एलिमेंट तो होना पड़ेगा भाई, एलिमेंट तो होना पड़ेगा यहाँ पे। और गाइस दे सो तो अगेन कार्ड, इतने ओपी कार्ड हैं कि भाई एक कार्ड और डिक्लेयर, ये डायमंड का एसी चाहिए बस। और ये बंदा ड्रॉप कर दे तो मजा ही आ जाएगा। और ऐसे ही होता है गाइस, ये बंदा ड्रॉप कर देता है, हम पिक कर लेते हैं एंड तरीक सा करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। अब देखते हैं गाइस बंदे कितने कितने पॉइंट से लॉस हुए हैं। 88 पॉइंट बंदा तो एलिमेंट हो चुका है इसका, तो भाई छोड़ ही दो। और यहाँ पे डीलर 40 पॉइंट बंदा, ये बंदे देखते हैं कितने कितने पॉइंट से लॉस होते हैं। अब यहाँ पे ओके भाई देखो 40 पॉइंट बंदा सबसे कम पॉइंट से लॉस हुआ है, ओनली 8 पॉइंट से लॉस हो भाई। इस बंदे पास भी काफ़ी ओपी कार्ड आए थे भाई साहब, क्या ही कर सकते हैं भाई, बंदे का लक काफ़ी अच्छा था। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं एंड इस बार गाइस दे सकते हो कार्ड, इस बार कहीं ऐसा ना हो कि भाई 48 पॉइंट वाला बंदा फर्स्ट टर्न में डिक्लेयर कर दे। लेकिन भाई वो बंदे ने तो ड्रॉप ही कर दिया, जो कि बहुत ही बढ़िया। अब देखो हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑप्शन है ड्रॉप करने के, मतलब हमारे ओनली 10 पॉइंट, और इन बंदों के देख सकते हो 60+ पॉइंट हो चुके हैं। और इन बंदे पास ओनली 1 मिनट टाइम है ऑप्शन ड्रॉप करने का। खैर देखते हैं होता क्या। ओके बंदे ने किंग डिस्कार्ड किया, सो हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही प्योर सिक्वेंस है, वो भी जोकर में ऐड। अगर एक जोकर और होता तो भाई रिस्क लेते। खैर कोई नहीं गाइस, करते हैं इसी के साथ बैट स्किप, देखते हैं गाइस कौन बंदा डिक्लेयर कर पाएगा। ओके सो फाइनली गाइस यहाँ पे 68 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है। और यहाँ पे
देखते हैं 89 बंदा ओके, ये बंदा डायरेक्ट एलिमेंट हो चुका है। वैसे बंदे के 10 पॉइंट ही ज़्यादा लगे, अगर 10 पॉइंट डाउन कर पाता तो भाई जरूर बंदा इस बैट को सर्वाइव कर लेता, लेकिन भाई जब आपकी किस्मत ख़राब हो ना तो तब कोई नहीं बचा सकता आपको। खैर कोई नहीं, सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव हो चुके हैं एंड अगेन दे सकते गाइस कार्ड जोकर काफ़ी सारे हैं भाई, लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि प्योर सिक्वेंस नहीं हो पाएगी क्या। ओपन डेक में 5 है और यहाँ पे कंफ्यूजन वाले कार्ड, अगर प्योर सिक्वेंस रेंज हो गया तो भाई हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि भाई किसी बंदे पास मेरे से अच्छे कार्ड हुए तो भी दिक्कत हो जाएगी। सो मैं यहाँ पे सोए समय के रिस्क लेने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे को अब यहाँ पे यही था कि प्योर सिक्वेंस रेंज होगी तो हम जो डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ कार्ड ही ऐसे हैं। मैंने यहाँ पे हर्ट किंग डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि हर्ट किंग मेरे पास इनवैलिड था और मैं सोच रहा था बंदा किंग के अकॉर्डिंग क्या पता क्वीन डिस्कार्ड कर दे। अब यहाँ पे बस दिक्कत यही है कि हमने प्ले तो किया लेकिन भाई प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाए भाई बहुत ही बढ़िया रहेगा, लेकिन भाई देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। अब देखो 84 बंदा कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा रहा है भाई, डायमंड 9। अब ये बंदा भाई ये प्ले कर रहा है, या यही सबसे बड़ी दिक्कत है जब ये बंदे प्ले करने लग जाते हैं। देखो क्या क्लब में एस, तो मैं यहाँ पे क्लब एस ही डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि मेरे को क्वीन चाहिए। और गाइस देखो ये बंदा एस पिक कर जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब बंदे पास किंग और क्वीन हो तो बंदे ने तभी एस पिक किया, जे पिक कर सकता था अगर मैं जे डिस्कार्ड करता तो। ये तो भाई बाद में ही कार्ड देखेंगे इस बंदे के। तो और गाइस देखो ये बंदा कार्ड पिक कर गया, अब क्लब क्वीन आए तो भाई हमारी सीक्वेंस नहीं हो पाएगी, लेकिन भाई बंदा तो फॉलो नहीं कर रहा। देखो क्लब ए डिस्कार्ड कर रहा है, फ्लोटे से कार्ड पिक करते हैं भाई अगेन एस। अब बंदा अगेन ना पिक कर ले कहीं, चलो बढ़िया इस बार तो पिक नहीं किया, लेकिन बस मेरे को दिक्कत यही कि बंदा डिक्लेयर ना कर दे, क्योंकि देखो बंदे की सीक्वेंस नहीं हो चुकी। और गाइस देखो ये बंदे को ओपन से कार्ड पिक कर गया 84 बंदा। अब यहाँ पे हर्ट 7 है और भाई ये बंदा हर्ट 7 पिक कर गया। अब गाइस हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ ड्रॉ करने के अलावा, क्योंकि देखो भाई हर्ड 7 पिक हो गया तो हर्ड 6 मेरे पास नहीं आ सकता, एस क्लब पिक हो चुका है, क्लब क्वीन नहीं आ सकती, इसी वजह से मैंने मिडल ड्रॉप किया। अब हो सकता है कुछ बंदे यहाँ पे प्ले कर जाते, लेकिन मैंने तो भाई ड्रॉप ही कर दिया, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा था कि हमारी सीक्वेंस अब रेंज हो पाएगी, क्योंकि जो कार्ड हमको चाहिए वो भाई ओपन ऐसे पिक होए जा रहे थे, होए जा रहे थे, तो अब हम क्या ही करते। खैर कोई नहीं, यहाँ पे देखते हैं भाई कौन बंदा डिक्लेयर कर पाएगा, मतलब हमने तो भाई प्ले करके बहुत बड़ी गलती कर दी। देखो भाई हर्ट जे बंदे ने डिस्कार्ड किया, हमारे काम का कार्ड ही नहीं था, और देखो ये बंदा पिक कर गया। खैर कोई नहीं, देखते हैं कौन डिक्लेयर कर पाएगा, मतलब मैंने पहली बार मिडल ड्रॉप किया इस बार, तो मतलब हमारे काम के नहीं कार्ड आया तो क्या ही कर सकते हैं। डायमंड 7 अभी तक तो भाई देखो चल रही है इनकी बैट। और गाइस देखना जहाँ पे हमारे काम का कार्ड आएगा नहीं, मैंने बैट स्किप नहीं की अभी तक, तो देखते जाओ बस। देखो भाई उस बंदे ने डिस्कार्ड कर दिया भाई, जोकर जब होते हैं ना ये बहुत ही दिक्कत करते हैं। वैसे बंदे ने डायमंड 7 डिस्कार्ड किया, तो देखो डायमंड एस डिस्कार्ड कर दिया। देख रहे हो गाइस एक भी हमारे काम का कार्ड नहीं आया एक भी, मैंने अभी तक बैट स्किप नहीं की थी। और यहाँ पे गाइस जो है 68 बंदा डिक्लेयर कर देता, और यहाँ पे मेरे पास कॉल आ गई थी इसी वजह से मैंने कट कर दी थी, आप ऊपर देख सकते हो कॉल कनेक्ट हुई हुई है। सो गाइस देख सकते हो तो मैंने ड्रॉप किया तो अच्छा किया या फिर गलत किया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर कोई नहीं, सो देखते हैं इस बार हम क्या होता है। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं इस बार, गाइस देख सकते हो तो हमारे बैड लक के साथ हमको बैड कार्ड मिले, मतलब पहले तो बहुत ओपी कार्ड आए जा रहे थे, अब देखो भाई कार्ड ही नहीं आ रहे। खैर कोई नहीं, इस बार ड्रॉप ही करना पड़ेगा। अब देखो हर्ट जे उस बंदे ने डिस्कार्ड किया, अगर ये बंदा ड्रॉप कर देता तो बढ़िया था, लेकिन नहीं भाई ये बंदा ही प्ले कर रहा है तो हमारा तो मन क्या ही प्ले करने में करेगा। सो हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं एंड यहाँ पे कर देते हैं इसी के साथ बैट स्किप, देखते हैं यहाँ पे कौन बंदा डिक्लेयर कर पाएगा। ओके
सो फाइनली गाइज यहाँ पे डीलर डिक्लेयर कर देता है। ये तीनों बंदे प्ले कर रहे थे, खैर कोई नहीं, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन बंदा लिमिट हुआ है। ओके भाई एक बंदा तो लिमिट हो चुका है, लेकिन भाई 75 पॉइंट वाला बंदा ओनली 4 पॉइंट से लॉस होता है। और गाइज देखो दोनों ही बंदों पास ओपी कार्ड थे, भाई क्या ही कर सकते हैं, हमारा ही बैड लक चल रहा है अब तो। और यहाँ पे भाई नेटवर्क ही चला गया, और गाइज देखो जब तक हमारे पास नेटवर्क आता तब तक देखो भाई कार्ड मतलब इतने गंदे कार्ड मिले हैं कि भाई हम सोच नहीं सकते कि हमारे पास ऐसे भी कार्ड आ सकते हैं। खैर देखेंगे भाई, अब देखो भाई 68 पॉइंट वाला बंदा प्ले कर रहा है, तो भाई ये तो कन्फर्म है कि इस बंदे पास काफ़ी अच्छे कार्ड हैं। और गाइस देखो ये बंदे प्ले कर रहा है, अब बंदे ने 7 डिस्कार्ड किया तो मैं यहाँ पे 7 पिक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अब 7 का सेट ट्राई करना है। सो हम यहाँ पे एस डिस्कार्ड कर देते हैं। एंड गाइस यहाँ पे अगेन कॉल आ गई थी, तो मेरा भाई नेटवर्क फिर चला गया था और अब वापस आ चुका है, और पता नहीं बंदे ने कार्ड पिक किया था या फिर नहीं पिक किया था, ये मैंने देखा नहीं। खैर देखते हैं ये बंदा इस बार कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करता है। वैसे हमको काफ़ी कार्ड चाहिए भाई सर्वाइव करने के लिए। और गाइस देखो ये बंदा 8 डिस्कार्ड करता है, सो हम यहाँ पे 8 पिक नहीं करेंगे, रोटा से कार्ड पिक करते हैं। और यहाँ पे क्या आता है 5, सो मैं यहाँ पे हर्ड किंग भी डिस्कार्ड कर देता हूँ। और गाइस यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई डिक्लेयर होने ही वाला है, तो अभी तक तो डिक्लेयर नहीं हुआ। देखो उस बंदे ने भी डायमंड 8 डिस्कार्ड किया भाई 68 पॉइंट बंदे ने। और यहाँ पे गाइस 79 पॉइंट वाला बंदा क्लोडा से कार्ड पिक करता है और इसी के साथ फाइनली डिक्लेयर कर देता है। खैर कोई नहीं, हम इस बैट को लॉस हो चुके हैं।